चतुर्थ अवस्था पहुँचला आसी तब मूर्ति न देखिला ए नेत्र हे दयामय एही दिन ठारु दया करी एही भंगा कुटीर प्रवेश करी एहाकु वैकुंठ रे परिणत करी हे मुनिवर मने व्यस्त होतु नहीं स्वयं नारायण अयोध्या नगर रे पिता दशरथ कपूर रे जन्म ग्रहण करी पितृ सत्य रक्षा करी वनवास करी छथि आज निश्चय भक्ति रे प्रवेश करिवे ए तो दैव वाणी सते कोन नारायण प्रवेशिवे एथि स्वामी सते कोन भगवान कर करुणा हेबो स्वामी सते कोन भगवान कर पादर चपड़ी ए भंगा कुटीरटी हमर धन्य होइबो कहंतु स्वामी प्रिय ए कथा सुनिला बेले को आनंदर मोर सीमा ना स्वामी तुमे जाओ प्रिय खाद्य पेयर व्यवस्था कर स्वामी से मानकर आसीबा पथ को मु चाहि रहिले तबे ठीक अछि स्वामी के जगारे चलो प्रिय तुम्हें खाया पियार व्यवस्था कर मु प्रभु पथ को अनुसरण कर रही तबे ठीक अच्छे स्वामी मु जाऊछि फलमूल किछि सजाई रखिबि चलो आसुछि स्वामी जीता
आश्रम देखा जाउछि ए कहार जानिछु कहार भाई ए आश्रम होउछि अत्रि महामुनि कर आश्रम भाई चल रे लक्ष्मण तांक निकट को जाई अमर आश्रय दरकार करिबा रे चलन भाई मुनिवर अमर प्रणाम ग्रहण करंतु चिरंजीवी हो अवश्य धन धान्य गोपलक्ष्मी प्राप्त हो शत्रु को निधन कर आज मोर बड़ सौभाग्य तुम्हु देखला बेल ठारू मोर सब पाप राशि धोई हुई अनुसया अनुसया कौन हुए छे स्वामी मुझे फल मूल सजाई रखुली मत कहीं डाकिले स्वामी एई देखो प्रिय आम दरिद्र कुटीर रे आज अमूल्य रतन खाया सब स्वामी सब किसी कुह बाबा कि कारण भाई भार जाघेनी बन को आगत मुनिबर बाबा मो दुखर कहानी सुनिबे तबे सुनंतु मुनिबर मो दुखर कहानी गर्भ हेले उत्तपन्न औ लक्ष्मण सा
साधु साधु वत्स रामचंद्र मुनिवर प्रकृत पितार उपयुक्त पुत्र तुम्हें मुनिवर तुम्हार ए सत्य निष्ठा भई अत्यंत पीतमयी मुनिवर तुम्हार ए अत्यंत जुगे जुगे लिपिबद्ध हो रही जो पुराण पुष्टा रे मुनिवर आसो बाबा किछि फलमूल भोजन करी हृदय को शांत कर जंगल रे बुली बुली बड़ क्लांत लागिवनी मुनिवर बाबा स्नान तर्पण करी नाहू किपरि भोजन करिबो बाबा एई पाखरे गोटिए नदी अछि सेठारे स्नान तर्पण करी आसीबे आसो बाबा मु तुमकू पथ देखाई देबी चले चलंत मुनिवर आसो बाबा